हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको नैतिक मूल्यांकन चैप्टर का पूरा सारांश आपको बताने वाला हूं। इतना बेहतर सारांश बना करके लाया हूं कि जिसे आप एकदम कम समय में याद कर पाएंगे, प्लस आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बस इसको अपनी नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आप लोग इसे एग्जाम से पहले अच्छे तरीके से याद कर लें, ठीक है ना। तो देखो, नैतिक मूल्यांकन जो है कक्षा 10 संस्कृत का है ये चैप्टर। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, चैप्टर एक बार जरूर पढ़ लेना है, ठीक है ना। चैप्टर जब एक बार पूरा पढ़ लेंगे तब आपको सारांश बिल्कुल भी रटने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, आपको एकदम ये सिंपल लगेगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे सारांश। तो दोस्तों सबसे पहले आपको हाइलाइटर लिख देना है नैतिक मूल्यांकन पाठ का सारांश, ठीक है। उसके बाद अगली पहली नंबर हेडिंग डालना है नीति की परिभाषा, कि हम नैतिक मूल्यांकन पर सारांश लिख रहे हैं तो नीति होती क्या है उसे बताएंगे, ठीक है ना। जैसे देखो, जिस मार्ग से कार्य करने से मनुष्य का जीवन सुंदर और सफल होता है उसे नीति कहते हैं, ठीक है ना। नीति पूर्वक व्यवहार से केवल मनुष्य या समाज का ही नहीं अपितु पूरे संसार का कल्याण होता है। इसी तरीके से लिखना है, एक भी चीज़ रटने की जरूरत नहीं है। प्राचीन काल से ही नीतिकारों ने नीति वाक्यों की रचना किया है। साधारण लोग भी व्यवहार के लिए नीति वाक्यों और श्लोकों की रचना किए। देखिए, साधारण लोग भी व्यवहार के लिए, ठीक है ना, नीति वाक्यों और श्लोकों की रचना किया। उसके बाद देखो अगली हेडिंग क्या है, नैतिकता की आवश्यकता, ठीक है ना। नैतिकता की आवश्यकता इस हेडिंग में कैसे लिखना है आपको, नैतिक मूल्यों से व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा होती है, यानी नैतिक मूल्यों से व्यक्ति जो है समाज में सम्मान पाता है, ठीक है ना। नैतिकता से ही व्यक्ति, समाज, देश और विश्व का कल्याण होता है। ओके, नैतिक आचरण से मनुष्य में त्याग, तप, विनय, सत्य, न्यायप्रियता आदि गुणों का विकास होता है। इसके साथ ही व्यक्ति और समाज ईर्ष्या, द्वेष, देखिए द्वेष आप लोग में ये हुआ नहीं रहेगा, ठीक है ना, ऐसे रहेगा, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कलह आदि दोषों से मुक्त होते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही आपको लिखना है नैतिकता की आवश्यकता हेडिंग में। तीसरी नंबर हेडिंग आपको डालना है दूसरों का हित, ठीक है ना। नैतिक आचरण का मुख्य उद्देश्य परहित साधन है, यानी दूसरों का हित। नैतिक आचरण से युक्त मनुष्य अपनी हानि करके भी दूसरों का कल्याण करता है, यानी चाहे उसका नुकसान हो जाए लेकिन वो दूसरों को फायदा देगा, ठीक है ना। समाज में प्रचलित रूढ़ियाँ सबके हित के लिए नहीं होती हैं। रूढ़ियाँ मतलब जो पुराने रीति रिवाज जो समाज में चल रहे हैं वो सब के लिए लाभदायक नहीं होते हैं। इसलिए कुछ विद्वान क्या करते हैं, उसका विरोध करते हैं कि भाई इस रूढ़ी, इस रीति रिवाज को हटा दिया जाए, है ना। इसलिए कुछ विद्वान उसका विरोध करते हैं और नवीन आदर्श स्थापित करते हैं, परंतु उनके ऐसा करने पर भी, ठीक है ना, नैतिक मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे लिखना है कि उनके विरोध करने पर भी नैतिक मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगली हेडिंग आपको डालना है, देखिए कम से कम आपको 5 हेडिंग्स में पाठ का सारांश लिखना है, ठीक है ना, तभी आपको पूरे अंक मिलेंगे, नहीं आपके अंक कट जाएंगे, ठीक है ना। धर्म और नीति, ये हेडिंग आपको चौथी नंबर में डालना है। देखिए, नीति से केवल लौकिक कल्याण होता है, जबकि धर्म जो है लौकिक और पारलौकिक दोनों तरह का कल्याण करता है, ठीक है ना। तीर्थ यात्रा हो गया, पवित्र नदियों में स्नान हो गया, यज्ञ करना और कराना, गुरु माता पिता की सेवा, संध्या वंदन और 16 संस्कार मुख्य रूप से धर्म के वाचक हैं, ठीक है ना। और इन कर्मों में नीति का मिश्रण बिल्कुल भी नहीं है, अतः धर्म क्या है, व्यापक है। धर्म और नीति दोनों का समान रूप से आचरण करने से संसार का कल्याण होता है, यानी कि अगर आप चाहे धर्म का आचरण करें चाहे नीति का आचरण करें, दोनों को जब आप करेंगे तो उससे समाज को ही कल्याण मिलेगा, संसार का ही कल्याण होगा, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट में आपको प्रमुख नीति ग्रंथ के बारे में चर्चा कर देना है। जैसे देखिए, संस्कृत के कुछ प्रमुख नीतिकारों द्वारा लिखित ग्रंथ इस प्रकार हैं, चाणक्य नीति हो गया, विदुर नीति हो गया, विदुलोपाख्यान हो गया, पंचतत्र हो गया, पंचतंत्र हो गया, शुक्र नीति हो गया, नीतिसार हो गया, बल्लाल शतक हो गया, दृष्टांत शतक इत्यादि, ठीक है ना। इतना आपको लिखना है पूरा सारांश। यदि इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर जाना और लर्न विथ RP सर्च करना, एक चैनल आएगा जिसको ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं इसकी फ्री PDF आपको दे दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अन्य चैप्टर्स के सारांश देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं और संस्कृत कक्षा 10 की प्लेलिस्ट चेक करें। मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।